आईएनएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं नवनीत मिश्र। आज के खास मेहमान हैं भूपेंद्र यादव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, कुशल रणनीतिकार, संसद सदस्य और कई संसदीय कमेटियों के अध्यक्ष भी, सदस्य भी, कमेटी मैन कहा जाता है। कुछ ऐसे विधेयक, कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे संशोधन जो वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आए हैं भारतीय राजनीति में, उनको भी गढ़ने वाले भूपेंद्र यादव हैं। लेकिन आज बात करेंगे हम सबसे पहले कि आखिर क्या वजह है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद चल नहीं पा रही है। भूपेंद्र जी, संसद नहीं चल रही है, अभी कुछ देर बाद आप संसद जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, लेकिन फिर हाउस एडजर्न हो जाएगा। ऐसा है कि संसद चर्चा के स्थान है और किसी भी विषय पर चर्चा के लिए निश्चित नियम और प्रावधानों के अंतर्गत है। विपक्ष के द्वारा चर्चा की मांग भी की जाती है और सत्ता पक्ष के द्वारा उसका उत्तर भी दिया जाता है। दिल्ली की वर्तमान स्थिति को लेकर के विपक्ष के द्वारा चर्चा की मांग की गई थी, सत्ता पक्ष ने कभी इनकार नहीं किया जी। लेकिन जहाँ तक चर्चा की व्यवस्था या रूलिंग देने का प्रश्न है, वो तो चेयर के ऊपर है। लेकिन विपक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से वातावरण को समाप्त किया जा रहा है। दूसरा, संसद की परंपरा में संसदीय हॉल के अंदर आचरण करने की एक मर्यादा होती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी एक निश्चित जगह है, उससे ही बोलना पड़ता है। लेकिन लोकसभा में हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष की तरफ आकर एक तरीके से हाथापाई और धक्का मुक्की करके चर्चा में व्यवधान डालना चाहते हैं। नहीं, लेकिन तो ये तो लोकतंत्र का अपमान है। जनता आपको इसलिए नहीं भेजती कि आप जाकर के धक्का मुक्की करो। लेकिन भूपेंद्र, इसलिए माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूँ। ये बात सही है कि प्ले कार्ड लिए गए और स्पीकर पे जिस तरह से, नहीं प्ले कार्ड नहीं, दूसरी तरफ जाकर, बिल्कुल ऐसा कभी होता ही नहीं, केजरी बेंच में गए वो लोग। हाँ। ये बात एकदम सही है और उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये परंपराओं के खिलाफ है, मर्यादाओं के खिलाफ है। लेकिन अगर विपक्ष चाहता है कि चर्चा तुरंत हो, तो बीच में होली कैसे आ गई? आप कहते नहीं, सब होली के बाद नहीं, वो कहते हैं तुरंत, ऐसा नहीं है। सदन में विषय को देने के लिए, करने के लिए हमेशा एक समय और व्यवस्था दी जाती है। कुछ ऐसे विधेयक हैं जो ऑर्डिनेंस के रूप में लाए गए जी, जिनको पास करना आवश्यक है। कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं जिनको, क्या इस देश में माइनिंग को लेकर ऑर्डिनेंस पेंडिंग पड़ा है? दूसरा, आईबीसी को लेकर ऑर्डिनेंस पेंडिंग पड़ा है। और ऑर्डिनेंस इसलिए जलाए जाते हैं कि अगर सदन नहीं चल रहा है तो ऑर्डिनेंस पे बहस हो, वो तुरंत बिल के रूप में, क्योंकि उसका एक समय सीमा भी होती है 6 महीने की जी। वो लैप्स होता है तो ऑर्डिनेंस लैप होता है, नया ऑर्डिनेंस आप ला नहीं सकते। तो सरकारी कामकाज को चलाना भी आवश्यक है। अच्छा, ऑर्डिनेंस लाते हैं तो फिर विपक्ष कहता है आप इसमें चर्चा नहीं कराते। तो चर्चा तय कौन करेगा? न सत्ता पक्ष तय करेगा, न विपक्ष तय करेगा, चेयर तय करेगी। उस पर तो भूमिका, उसकी तो भूमिका को मानना चाहिए। नहीं, लेकिन कहीं ये तो लोकतंत्र को बंधक बनाने जैसा है। नहीं, पहले होता था लखनऊ में कि पहले आप, मैं कह रहा हूँ पहले हम झुक जाएं, पहले बीजेपी झुक जाए, थोड़ा सा झुकने की बात। इसमें झुकना ना झुकना है ही भाई, अच्छा हम चर्चा पहले कर लेते हैं। ये तो फिर सदन कोई बीजेपी थोड़ी चलाती है और सदन कोई विपक्ष थोड़ी चलाता है, सदन तो चेयर के द्वारा चलता है। क्या आपको उम्मीद है कि ये जो गतिरोध कायम हुआ है, गतिरोध, देखिए हठधर्मिता और गतिरोध में अंतर होता है। विपक्ष को हठधर्मिता का भी रवैया छोड़ना चाहिए। सदन चर्चा का स्थान है, जो चेयर रूलिंग दे उसको मानना चाहिए। एक चीज़ और, मेरे ख्याल जो जिस संसद के गतिरोध की हम बात कर रहे हैं, उसकी जड़ में दिल्ली की हिंसा है, दिल्ली के रॉयट्स हैं। दिल्ली के रॉयट्स जिस तरह से हुए और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट थी और बहुप्रतीक्षित ये यात्रा थी उनकी पहली बार, और जब वो दिल्ली में होते हैं उस वक्त ये दंगे होते हैं, संसद से, प्रधानमंत्री के निवास से, सरकार की पीठ से चंद किलोमीटर दूर। ऐसा कहा जा रहा है कि जो रिस्पांस टाइम था
दिल्ली पुलिस का वो थोड़ा डिलेट था, देर से दिल्ली पुलिस वहाँ पर पहुँची, जिसकी वजह से दंगे भड़के और दंगाइयों को एक समय दिया गया और उसके बाद फिर वहाँ मारकाट हुई। और अगर हम देखें तो 2002 के दंगों के बाद जो कैजुअल्टी है वो मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश के दंगों से कुछ 5-6 लोग कम ही मरे होंगे, उसके बराबर इम्पैक्ट है। इतने बड़े दंगे हो गए और जो सरकार भयमुक्त समाज का नारा देती आई हो, इस दंगों का होना, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो जिस तरह से ज़्यादा जिस समय पे हुए वो इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग जी। और दूसरा ऐसा विषय है कि देखिए मुद्दा क्या था, ना तो कोई किसी कम्युनिटी के विरोध में कोई कम्युनिटी थी जी, ना कोई कम्युनिटी का क्लैशेस था। हमने मानवीयता के आधार पे पड़ोस के 3 मुल्कों के अल्पसंख्यक, उन 3 मुल्कों के, उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया। अब इसमें तो किसी का भी कुछ नहीं जा रहा है, तो ये तो एक मुद्दा विहीन था। लेकिन सरकार के खिलाफ एक अनावश्यक आक्रोश को पैदा करने का प्रयत्न किया गया। जो अनावश्यक आक्रोश को पैदा करने का प्रयत्न किया गया उसकी टाइमिंग को चुना गया। और मेरा ये मानना है कि जैसे ही ये विषय हुआ, गृहमंत्री जी के द्वारा दिल्ली के प्रशासन और अधिकारियों के साथ आला बैठक की गई, इतना ही नहीं विद इन 30 आवर इसको पूरा कंट्रोल में किया गया। लेकिन एक तरीके से इस सुनियोजित षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं उसकी जांच होनी निश्चित रूप से बाकी है और सच्चाई लोगों के सामने आएगी। आपको भूपेंद्र भाई लगता है, क्योंकि जहाँ तक मैं आज की तारीख में राजनीतिक चेहरे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप बहुत सौम्य और बहुत ही इनडेप्थ स्टडी करते हैं, और जब आप बोलते हैं तो लगता है कि हाँ कोई पार्लियामेंट्रियन बोल रहा है हर विषय पे बड़ी ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल जो आपका कैरियर है एक लॉयर का वो भी कहीं काम आता है। आप क्या देखते हैं इन पूरे दंगों को, कि वाकई एक गहरी साजिश है और उसके पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ हो सकता है? इस बस बोलिएगा। देखिए राजनीतिक दलों के हाथ से ज़्यादा आखिर हम राजनीति के प्रवाह को किस ओर मोड़ना चाहते हैं? हम राजनीति को वोट बैंक की राजनीति क्यों बनाना चाहते हैं? फिर भारत की राजनीति में गांधी जी ने मानवीयता का एक पक्ष दिया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक पहचान को लेकर के आज हमारी शरण मांगने आया है उसको शरण देना अनुचित है? क्या ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं है? दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शाहीन बाग में कोई एक भी ऐसा भाषण हुआ जिसमें ये कहा कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में गलत हो रहा है? तीसरा छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नारे लगाए जाना और उसको समर्थन देना, क्या हम अपनी आने वाली नौजवान पीढ़ी के मन के अंदर कोई जहर बोने का काम नहीं कर रहे हैं? इन सारी परिस्थितियों के आलोक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हमारा समर्थन इस प्रकार के विषयों और धरनों को होता है तो जो लोग भी जाते हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना स्वाभाविक है। आप अमित शाह के, ऐसा कहा जाता है कि अगर वो चीफ स्ट्रेटजिस्ट हैं तो आप उनके को स्ट्रेटजिस्ट हैं। ऐसा जितने, नहीं है जितने, हमारी जितने भी, मैं पहले आपको ये स्पष्ट कर दूं और विनम्रता से स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी में सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं। पार्टी के अनुशासन के अंतर्गत मैं नहीं, एक बहुत बड़ी टीम हम सब कार्यकर्ताओं की काम करती है, इसलिए कोई मुझे कोई अकेला ऐसा श्रेय देना मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। नहीं, लेकिन विनम्रता से मैं अस्वीकार भी करता। आप मॉडेस्ट हैं। खैर, जो एक परसेप्शन है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है आज की तारीख में, और ऐसा माना जाता है कि वॉर रूम स्ट्रेटजिस्ट जो हैं वो भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव खुद से ना कहें, ये खैर उनका अधिकार है। मैंने सवाल इसलिए किया कि पार्लियामेंट में एक आवाज़ लगाई जा रही है और नारा बुलंद किया जा रहा है कि इन दंगों के पीछे अमित शाह हैं और अमित शाह को इस्तीफ़ा देना चाहिए, अमित शाह मस्ट रिज़ाइन, और बड़े बड़े प्ले कार्ड लेके वेल में लोग घुस गए, उस पर बवाल हो गया। तो ये जो अमित शाह को जो टारगेट किया जा रहा है, ये इसको आप क्या कहेंगे? ये पॉलिटिक्स ऑफ डेमोनोलॉजी है? ये तो बेबुनियाद राजनीति है, झूठ की राजनीति है। जो लोग सदन नहीं चलने दे रहे वो दिल्ली को भी बेहाल करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अंत में जीत सच्चाई की होगी और लोग ये जानेंगे कि इस तरह की हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं।
एक जैसे जो रामलीला मैदान में सोनिया गांधी की रैली हुई थी, तो उसके कुछ वीडियो हैं जैसे उसमें आर पार की लड़ाई का आह्वान किया जा रहा है, और ये भी बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं के भी बयान आए हैं कि ये जो भड़काने की राजनीति है वो सोनिया गांधी से शुरू हुई। तो क्या आपको लगता है जिस ढंग से अब जांच जो जारी है, उस जांच की जद में क्या सोनिया गांधी भी होंगी या बीजेपी कुछ मांग करती है? देखो, मामला इंक्वायरी बायस नहीं है, इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट और फेयर होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के द्वारा भी नोटिस वगैरह दिए गए, मामला न्यायालय के भी संज्ञान में है। कुल मिलाकर के लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता, इसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। अब ये मानते हैं कि एक मांग ये भी हो रही है, जब भी बहस शुरू होगी होली के बाद, बहस तो होनी ही है, कि या तो JPC बन जाए, वो इस पर जाँच करे, या वो कह रहे हैं कि कोई साहब कोई सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज हो या हाई कोर्ट का सिटिंग जज हो, एक न्यायिक जाँच करे। तो आप चाहते हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए या जो SIT दिल्ली पुलिस ने बनाई है वही पर्याप्त है? सच्चाई की जांच होनी चाहिए और सच्चाई की जांच होके रहेगी, मतलब न्यायिक जांच की आप प्रक्रिया क्या हो इस पे कोई ऐसा नहीं है। जांच ऑलरेडी चल रही है, SIT ऑलरेडी गठित है, मामला न्यायालय के सामने है, तो सारा विषय सामने आएगा। एक और, क्योंकि कई कमेटियों में आप रहे हैं और चेयरमैन भी रहे हैं, एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि साहब ये जो डायरेक्ट टैक्स बिल है कि विवाद से विश्वास तक, कि साहब ये हिंदी क्यों, इसको हटाइए, और इसमें चाहे DMK हो, चाहे साउथ की पार्टी हो, अधीर रंजन चौधरी हैं लोकसभा के नेता हैं कांग्रेस के, उनका भी ये कहना है, और बड़ा बवाल हुआ इस पर कि साहब ये भी जो है BJP बिल में भी अपना एजेंडा लेके आ रही है, अपना नारा लेके आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो संविधान और हिंदी है जी। हम संविधान ही कहते हैं जी, और सभी भाषाओं में संविधान कहते हैं। नहीं, उनको विश्वास जो आपका नारा है, तो संविधान कौन सा इंग्लिश में, संविधान शब्द भी हिंदी है, ऐसे थोड़ी विषय चलते हैं। ये कभी वेंकैया नायडू जी ने, उन्होंने कहा कि जो स्थायी समितियों की बैठक है उसको लेकर सांसद गंभीर नहीं है, करीब 95 सांसद एक भी बैठकों में हिस्सा नहीं लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो इस दौर के जो सांसद हैं वो अपनी संसदीय जो जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर के उतने गंभीर नहीं हैं? देखिए, चेयरमैन साहब की तरफ से, माननीय उपराष्ट्रपति जी की तरफ से जो विषय उठाया गया है, इसके बाद एक सकारात्मक बात हुई है कि संसदीय समितियों की बैठक की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम जो है हमारे यहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सिस्टम है, क्योंकि संसद में जब आप बहस होती है तो संसद में बहस होने से पहले उस विषय के स्टेक होल्डर है ना, उस विषय के अफेक्टेड पर्सन, उस विषय के जानकार, और उस इन सब लोगों का और उस विषय से मंत्रालय का, संबंधित सरकार का दृष्टिकोण, इन सब का समन्वय जो है संसदीय समिति की बैठकों में होता है। और पार्लियामेंट में जो कमेटी सिस्टम है काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है, और पार्लियामेंटेरियंस के भी विकास के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, विषयों को समझने की दृष्टि से। इसलिए उन्होंने ना केवल राज्यसभा के संसदीय समिति के चेयरमैन की बैठक ली, बल्कि संसद के राज्यसभा के अंदर भी इस विषय को उठाकर एक तरीके से सदस्यों को कॉन्शियस करने का जो प्रयास किया है, मुझे लगता है सराहनीय प्रयास है। और अगर अनुपस्थिति है और इस विषय की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है, तो मेरे को लगता है कि ये एक ज़्यादा अच्छा कदम उन्होंने उठाया। एक आपकी कमेटी ने जो सरोगेसी बिल है सरकार की तरफ से, उसको लेकर के कई सुझाव दिए, करीब एक दर्जन से ज़्यादा सुझाव जो पहले नहीं थे। उसमें यह है कि से जो पहले ये कहा जाता था जो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए वो बाध्यता समाप्त करने की सिफारिश है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो एक जो सबसे बड़ी चिंता लग रही है कि वो जो किराए की कोख का एक व्यापार देश में बन जाएगा, तो कहीं इससे मदद नहीं मिल जाएगी? नहीं, इसको किराए की कोख का एक व्यापार नहीं बना मानना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल सरोगेसी पे पूरी तरीके से बैन है, ये अल्ट्रस्टिक सरोगेसी है। अल्ट्रस्टिक का अर्थ यह है कि परोपकार की भावना से, और हमारी कमेटी आनंद में, हैदराबाद में, मुंबई में गई, आपको जानकर के आश्चर्य होगा 1000 केसेस में से केवल 3 ही केस ऐसे थे जो परिवार के लोगों ने हाँ करी, वो भी बाद में मना कर गए। नज़दीक का माने कौन, अपनी बहन या भाभी, और तो कोई होगा नहीं, और वो कोई देने को तैयार नहीं है। तो जो निसंतान दंपति हैं, अगर कोई मानवीयता के आधार पर उसको कर रहा है तो उसका सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा, जो ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट जो है उसके जो प्रोविज़न है और इसको सिमिलर किया गया है,
लॉ में दो कानूनों में अगर दो तरह के आधार रहेंगे तो समाज में कुल मिलाकर चोरी बढ़ेगी, तो उससे अच्छा है कि पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को लागू किया जाए, क्योंकि सरोगेसी ये एक साइंटिफिक उपलब्धि है, ये साइंस के कारण संभव हुआ है। तो हमें तीन चीज़ों को बराबर बैठाना पड़ता है, साइंस, मॉरलिटी और प्रॉपर रेगुलेशन। ये जो त्रिभुज है इसका संतुलन बैठाना ही कानून का काम है, उसको करने का काम किया। भूपेन भाई, कानून तो खैर एकेडमिक तौर पे ही आप एक लीगल लिमिनरी मैं कहूँगा, और वर्षों से आप जुड़े हुए हैं न्यायिक व्यवस्था से और न्यायिक प्रक्रिया से, लेकिन चुनाव में जब आप बिसात बिछाते हैं तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त बिछाते हैं, जिसके साथ ही मिलकर करते हो, मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ, पार्टी के अध्यक्ष के साथ, संगठन महासचिव के साथ। लेकिन इधर ये देखा गया है कि चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव, जो प्रचंड बहुमत आपने लोकसभा में हासिल किया, जिस विकेट पर गेंद स्विंग कर रही थी उस विकेट पर अब भाजपा के विकेट बहुत जल्दी गिरने लगे। हरियाणा आपने एक तरह से कहूँ मैं लूज़ कर दिया, झारखंड में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हार होगी, और दिल्ली की हार तो और भी ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम थे, शाहीन बाग का कार्ड भी नहीं चला। तो ये जो धीरे धीरे राज्य, अगर हम मानचित्र देश का देखें, उसमें जो केसरिया रंग उड़ रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरी जो काउ बेल्ट है, ऐसा क्या है कि लोकसभा में आपको प्रचंड बहुमत मिला लेकिन राज्यों में सफलता नहीं मिल रही है? पहली बात तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की प्रकृति का अंतर होता है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट जो है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्टेस्ट जो होता है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि 12 लाख 15 लाख के ऊपर एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। सामान्यतः दो ही दल चुनाव लड़ते हैं, तो निर्दलीय जो है वो वोट कम लेते हैं जी, या छोटी पार्टियाँ वोट कम लेती हैं, जबकि विधानसभा के चुनाव में क्षेत्र छोटा होता है, इंडिपेंडेंट का भी जो वोट शेयर है वो ज़्यादा होता है। तो मत प्रतिशत जो होता है वो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता है, इसलिए मत प्रतिशत की तुलना विगत विधानसभा के चुनाव से करनी चाहिए। झारखंड में कांग्रेस और सब दल मिलकर भी 35% वोट लाए, हम 33% वोट लाए, 2% वोट ही हम उनसे पीछे, अकेली बीजेपी के रूप में, और हमारे एक सहयोगी दल ने भी चुनाव लड़ा, वो 7% वोट लेकर के गए। तो झारखंड में निश्चित रूप से उनके गठबंधन को सफलता मिली। दिल्ली में हमारा वोट प्रतिशत तो 5-7-6% बढ़ा है, आपका भी 1.5% वोट कम हुआ है, पर कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, एक तरीके से 5% उनका कम हुआ है। पर मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में जीत हार चलती रहती है, लोकतंत्र का जो जनादेश होता है उसको हम स्वीकार करते हैं। हमारा ये कहने से कारण नहीं होता है कि भाई इस चुनाव में हम कम रहे या जीत रहे, हमारा काम लोगों के बीच में लगातार रहने का होता है, और अगर चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है तो निश्चित रूप से पार्टी में अंदरूनी तौर पर उस पर चर्चा होती है, और पार्टी का जनाधार बन के वापिस हमारी सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की नीतियों को हम लागू करें, इस संकल्प को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हर चुनाव का हम विश्लेषण करते हैं, चुनाव हारे उसको भी हम सिरमाथे से स्वीकार करते हैं, जीतने को भी स्वीकार करते हैं, और इसलिए ये तो जीवंतता है राजनीति में, लगातार काम करते रहने की, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने की प्रवृत्ति को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपने कहा कि जो हार है उसका भी विश्लेषण है, जीत उसका भी विश्लेषण है, तो हरियाणा को तब काफ़ी समय हो गया, झारखंड को भी हो गया, ज़रूर विश्लेषण हुआ होगा पार्टी के स्तर पे। आपको लगता है कि जो वहाँ के चेहरे थे, जो आपने चेहरों को प्रोजेक्ट किया था, जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, झारखंड, कहीं ना कहीं वो जो एक मैग्नेट, एक अट्रैक्शन होता है, ये जो सफलता का जो पैमाना होता है, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, भले ही आपकी जो एलआई है वो आपसे निकल गई हाथ से, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें या हम झारखंड की बात करें, तो जो मुख्यमंत्री थे वो भी कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हैं। ऐसा ये पार्टी विश्लेषण करती है, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार मानना ठीक नहीं है, हम सामूहिकता में काम करते हैं, लेकिन पार्टी कुल मिलाकर आगे कैसे बढ़े इसके चिंतन पर हम लगे रहते हैं। झारखंड में आपको यही उम्मीद थी क्या? नहीं, उम्मीद तो सरकार बनाने की, लेकिन कुछ तो कारण आप भी सोचते होंगे। वो पार्टी के आंतरिक विश्लेषण के विषय रहते हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास हमेशा पार्टी करती है। जैसे महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीए और एनपीआर पे उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपना स्टैंड साफ किया है, थोड़ा सा उनके जो एलआई हैं, जो नए नवेले एलआई हैं, उनमें थोड़ी सी असहजता है,
तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ बीजेपी के लिए फिर से संभावनाएं होंगे, जो खोया हुआ पुराना साथी मिल जाएगा? महाराष्ट्र में बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है, आज बीजेपी के खिलाफ सब है, इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत में अपने स्तर पर भी हमेशा इजाफा होगा, ये मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं। अगर उद्धव ठाकरे फिर से आना चाहेंगे आपके खेमे में, अभी कोई ऐसा विषय नहीं है, जो विषय नहीं है उस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूपेन्द्र भाई, जैसे मोदी मैजिक की हम बात करते हैं, और अगर आपको याद हो तो जब हरियाणा में पहली बार बीजेपी जीत के आई तो मोदी जी का चेहरा सामने रखा गया, झारखंड में भी मोदी जी का चेहरा सामने रखा गया, उत्तर प्रदेश में 2017 में कहा जा रहा था कि साहब चेहरे तो बहुत हैं इस पार्टी में उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिर्फ कोई भी चेहरा आगे नहीं लाया गया, योगी जी बाद में आए और मोदी का ही चेहरा रख के आप आगे बढ़े। जब जब आपने मोदी जी के चेहरे को आगे रखा तो प्रचंड सफलता मिली, और जहां आपने चीफ मिनिस्टर को आगे कर दिया, महाराष्ट्र एक अपवाद हो सकता है, वहां पर आपको वो प्रत्याशित सफलता नहीं मिली। तो ये जो नाकामी है उसका क्या कारण है? नहीं, मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, और हमारे नहीं, आज उन्होंने अपने कर्मठता से मोदी जी ने आज दुनिया में भी एक बड़े वैश्विक नेता के रूप में स्थान बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से गौरव की अनुभूति होती है, उनकी उपस्थिति कार्यकर्ताओं में और जनता में भी एक ऊर्जा का संचार करती है, और 5 वर्षों में जिस प्रकार से देश में अनेक मंचों के माध्यम से उन्होंने संवाद और जीवंतता का कार्यक्रम किया है, ये उनके एक नेतृत्व के विशिष्ट गुण को भी दर्शाता है, और भारतीय जनता पार्टी के भी ये जो आगे बढ़ने के कालक्रम में मोदी जी के नेतृत्व की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहाँ तक राज्य के विधानसभाओं के प्रश्न है, राज्य के विधानसभाओं के प्रश्न चूँकि राज्यों के विषय होते हैं, स्थानीय विषय भी महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों को जोड़ना और तुलना करना उचित नहीं होता। एक, चूँकि आप बिहार के प्रभारी हैं और अक्टूबर नवंबर में बिहार का इलेक्शन भी होना है, जैसे वहाँ की जो राजनीति है वो 3 ध्रुवों पर आधारित है, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, 2 ध्रुव अगर साथ आ जाते हैं तो सरकार बन जाती है, तो आपके साथ फिलहाल तो दिक्कत नहीं दिखती है क्योंकि आपके साथ जेडीयू है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आपके अपने सहयोगी दल से ही होगी, क्योंकि हमारी और जनता दल यूनाइटेड की कोई दिक्कत नहीं, हमारा तालमेल अच्छा है, शेयरिंग को लेकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कहीं नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका चाहती है, तो इस चुनाव में हम दोनों भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। तो आपको क्या लगता है कि दोनों पिछले 15 वर्षों में बिहार में अनेक क्षेत्रों में विकास के काम हुए हैं, आज सड़क की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बाकी विषयों की दृष्टि से बिहार ने एक अच्छे मुकाम को बिहार प्राप्त कर रहा है, और मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दल मिलके वापस से सरकार बनाएं। एक उन्होंने क्या है, सीए को लेकर के प्रस्ताव पास किया और एनपीआर पे ये कहा है कि हमें जो नया प्रारूप है वो मंजूर नहीं है, 2010 के प्रारूप के हिसाब से एनपीआर होगा। सीए को लेकर कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, बल्कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जदयू ने भारतीय जनता पार्टी जब संसद में बिल लेके आई थी तो समर्थन में दिया है। एनआरसी को चूंकि इस समय केंद्रीय स्तर पर भी मना कर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि एनआरसी का अभी कोई विषय नहीं है। एनपीआर को लेकर उन्होंने लागू करने की बात कही है एक मानदंड पे, लेकिन एनपीआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो देश के कानून के अंतर्गत है, बल्कि एनपीआर को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कांग्रेस के समय में ही लाया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 14A जो है, जिसमें एनपीआर का प्रावधान है, ये कांग्रेस के समय में आया था, और देश के नागरिकों का देश के विकास और उपलब्धियों की दृष्टि से, संसाधनों को प्रचार पहुंचाने की दृष्टि से एक डाटा तैयार किया जाता है, सभी देशों में यह प्रक्रिया है, तो जो संवैधानिक विषयों के अंतर्गत मैंडेट है सरकार उस पर कार्य करेगी। जैसे इनकार तो किसी ने भी नहीं किया, जो कई राज्य हैं वो कह रहे हैं कि हम एनपीआर नहीं करेंगे या ये एनआरसी की एक प्रक्रिया है, तो क्या आपको लगता है कि वो कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, देश का संविधान क्या कहता है, नियम कानून क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण, उन्हें लागू करना पड़ेगा, जो संवैधानिक प्रक्रिया हो तो सब पे लागू होगी। एक और सवाल, ये हम रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत हैं, और रूल ऑफ लॉ में भारत की सॉवरेन पावर को संसद हमको अधिकृत करती है, तो जो संसद के द्वारा अधिकृत कानून है वो निश्चित रूप से लागू रहेंगे। बिहार में जाति आधारित जनगणना की भी तैयारी है, तो इस पे एक बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, जातिगत आधारित जनगणना का कभी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया है, कराने का विषय ये सेंसस का विषय होते हैं, उनके कई अपने पैमाने होते हैं, एक एनपीआर को लेकर के सब लोग जो शोर मचा रहे हैं, तो जब भविष्य में कंसेंसस आएगा कोई दिक्कत नहीं। जेडीयू आपकी जो है वो एक प्रिंसिपल अलाई है बिहार में, और उनके
इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट और उनके सीनियर लीडर प्रशांत किशोर उनसे अलग हो गए, एक आध और नेता भी बड़े अलग हुए। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम जो बीजेपी और जेडीयू की पॉलिटिक्स है उसको अब हम एक्सपोज करेंगे, और एक वो अरविंद केजरीवाल की तरह वो एक सिविल सोसाइटी टर्न्ड पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का एक्सपेरिमेंट वहाँ पर कर रहे हैं। और उनका मानना है कि बिहार में अभी भी विकास होना बाकी है। ये जो एक नया समीकरण बन रहा है और ऐसी संभावना है कि अल्टीमेटली प्रशांत किशोर जो है वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ एक हो सकता है मोर्चे में शामिल हों, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई एक चुनौती बनेगी या ये अभी सिर्फ बयानबाजी है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों से निकली हुई एक लंबी पार्टी है। मधुलिमे, मधु दंडवते, जनेश्वर मिश्रा, राम मनोहर लोहिया ऐसे एक बहुत बड़े लंबे नेताओं की प्रक्रिया रही है। अब उनमें जिनका नाम प्रशांत किशोर जी ने लिया है उस समाजवादी विचारधारा का कभी मैंने उनका दर्शन देखा हो तो ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है जी। तो मुझे नहीं पता उनकी क्या क्षमता है, तो कोई मेरे लिए कोई टिप्पणी करने लायक विषय भी नहीं। आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं? नहीं, संज्ञान नहीं, क्योंकि मैं जदयू के साथ कभी तालमेल करा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके नेताओं ने कभी मुझे आज तक 5 साल में कहा भी नहीं है कि जदयू की तरफ से कोई वो बातचीत करेंगे, तो कभी जदयू के नेताओं ने भी मुझे उनके बारे में ये कभी कहा नहीं, तो मेरे कभी संज्ञान में नहीं आया कि उन्होंने जदयू में क्या उनकी स्थिति रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद अगर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जिसे देखा जाता है कि जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो बीजेपी हार जाती है। जैसे आपने दिल्ली का चुनाव देखा, ये बाई पोलर इलेक्शन था कि आमने सामने की लड़ाई थी, कांग्रेस परिदृश्य से बाहर हो गई और बीजेपी को 5-7% वोट शेयर बढ़ने के बावजूद बीजेपी हार गई। अभी 3 सीटों का जो चुनाव हुआ पिछले साल पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे क्या है, चूँकि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने सीटें हासिल की तो वहाँ पे बीजेपी का जो खिलाफ वोट था वो एकजुट हो गया टीएमसी के साथ और बीजेपी को आमने सामने की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 70-90 हज़ार वोट तक बीजेपी वहाँ पहुँच गई। क्या आपको लगता है कि बिहार जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या है, आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एक प्रमुख ध्रुव बन गई है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टीएमसी ने पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव में हिंसा और एक पुलिस प्रशासन के भय को दिखा करके चुनाव जीतने का काम किया है। लेकिन राजनीति में जनता भय मुक्त शासन चाहती है, जनता एक ऐसा शासन चाहती है जो विकास करे, और बंगाल की जनता इस समय भाजपा के साथ है। एक चीज़ और भूपेंद्र भाई, ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है और सौगत राय भी यहाँ बोल रहे हैं कि साहब बीजेपी के पास दिल्ली की तरह वहाँ कोई चेहरा नहीं है, ना चेहरा है ना कोई इस तरह का प्लान। तो आपको लगता है कि एक चेहरा प्रोजेक्ट होना चाहिए? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का हिंसा का चेहरा जनता के सामने है, लोग उसके उनके हिंसा के चेहरे के खिलाफ वोट देने वाले हैं। लेकिन कोई चेहरा आपके उनका है ना, हिंसा का चेहरा, लोग उससे मुक्ति चाहते हैं। हमारा तो है, हमारा तो पॉजिटिव एजेंडा है, लेकिन उनका हिंसा का चेहरा है, उसके खिलाफ लोग वोट देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी या सीए को लेकर के क्या बीजेपी मुद्दा बनाएगी? निश्चित रूप से हमारी पार्टी स्पष्ट है, हमारी पार्टी के जो संकल्प पत्र के विषय वो भविष्य में लागू होंगे, हम देश के संविधान को आगे बढ़ाने का काम। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में कई राज्यों के चुनाव हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, और जहाँ के आप प्रभारी हैं मोदी जी का जो गृह क्षेत्र है गुजरात, तो कई राज्यों में है, 7 से करीब 9 राज्यों में। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी एक एक करके राज्य गंवा रही है वो सिलसिला सुधरेगा आने वाले वक्त में? निश्चित रूप से, क्योंकि राज्य गंवा जाएंगे तो राज्यसभा की सीटें भी कम हो जाएंगी। राज्य गंवाने का विषय नहीं है, अभी भी राज्यसभा की सीटें हमारी बढ़ेंगी। ये तो राजनीति में हर पार्टी के लिए आरोह और अवरोह, उतार और चढ़ाव, आगे और पीछे, ये चलता रहता है। ये जीवंत लोकतंत्र का तकाजा है, हर राजनीतिक दल अपने विषय और विचारों को लेकर चलता है। देश में अनेकों राजनीतिक दल हैं, जनता उसमें से समय समय पर तय करती है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं जनता के अनुरूप हो, हमारे विकास के एजेंडे जनता के अनुरूप हो, हम देश के राजनीतिक परिदृश्य को जनमत के साथ अपने साथ आगे लेकर के जाएं, इसके लिए हम पहले भी प्रयास करते रहे हैं, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। भूपेंद्र भाई, एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय हो रहा है और आपको संसद जाना है। जो जब अमित शाह जी आए और सबसे पहले धारा 370 हटाई, एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय था, फिर उसके बाद हमने देखा कि जल्दी जल्दी जो है 2020 फॉर्मेट में अमित शाह आए,
और एक के बाद एक विधेयक और एक से एक मतलब चुनौतीपूर्ण विधेयक लेके आया, और कहीं ना कहीं उससे मुसलमान थोड़ा सा घबरा गया। अगर स्पेसिंग दी जाती थोड़ी, कौन सा विधेयक है जो मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जो शाहीन बाग आपने देखा सा नहीं, पर विधेयक कौन सा है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप पहले सीए का मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो उनका कहना है, मेरा नहीं कहना। नहीं नहीं, अब मेरे को पहली बात ये बताओ, सीए क्या है उसमें मुसलमानों के खिलाफ? नहीं नहीं, मैंने पूरा पढ़ा है, ऐसी चीज उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ नहीं है तो नागरिकता देने की बात है, लेकिन ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। आपका परसेप्शन टूट जाएगा क्योंकि ये तो झूठ है, लंबा टिकेगा नहीं। लेकिन अगर स्पेसिंग दी जाती थोड़ा, क्या कौन सा बिल लेकर के आगे, मुझे जब हमने कोई बिल लाया ही नहीं है तो स्पेसिंग का विषय कहाँ है? आपको नहीं लगता है कि कोई कहाँ लेकर के आए? लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी अब तो लिख रही है, काफी आलोचना कर रही है। क्या आलोचना कर रहे हैं? आलोचना तो बताए ना आप, मैं आपके सामने टीवी पे बात करने को तैयार हूँ, मुझे बताइए भाई ये आलोचना है। अब कोई झूठ फैला रहा है तो उसका तो जवाब सच्चाई से दिया जाएगा, हम डरते नहीं हैं झूठ फैलाने से। तो एक प्रकार से माना जाए कि जो सीए हो या एनआरसी हो उसको लेकर के जो भ्रम फैलाया गया, तो क्या बीजेपी उसका काउंटर करने में सफल नहीं हुई जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया? काउंटर सफल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई झूठ लंबा टिकेगा नहीं। आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में जो सरकार है, गहलोत साहब और पायलट, जिस तरह की वहाँ अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो लीडरशिप है वहाँ, एक लीडरशिप के टॉप लेवल पे क्राइसिस है, या कांग्रेस जो है वो अभी तक अपनी सरकार को पटरी पर नहीं ला पाई है? उनकी पटरी की दो लाइनें हैं और दो दिशाओं में है, तो गाड़ी की दिक्कत है कि किस दिशा में जाए, इसलिए जो दिशाहीन सरकार है उसका जाना तय है। नहीं, दो दिशा क्या, समझा नहीं। एक पायलट साहब की दिशा है और एक गहलोत साहब की दिशा है, मुझे लगता है तो कांग्रेस, और उसमें ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो राजस्थान की जनता का हो रहा है। हमारी सरकार के समय में हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवा केंद्र को लेके गए थे, पंचायती राज को सक्षम बनाने की बात करी थी, राजस्थान में जल संचय को लेके हमने कार्यक्रम किए थे, राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम किए थे, राजस्थान में जो स्वास्थ्य की योजना हमने शुरू करी थी, उसमें बहुत तेज़ी से डिक्लाइन और गिरावट आ रही है। और राजस्थान में अपराधों का भी जो कानून है, अपराधों का भी जो वो जो दर है उसमें वृद्धि हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में जो एक सतत विकास की प्रक्रिया थी उसको नुकसान पहुंचा है, और हमने हमेशा राजस्थान में कहा भी है कि हम जनता के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। भूपेंद्र भाई, आपको एक थिंकर पॉलिटिशियन भी कहा गया है, और ये विषय एकदम अलग है। कोरोना वायरस, COVID-19, इसका जो संकट है, और जैसा कि चीन में हमने देखा या यूरोप में देखने को मिल रहा है, भारत भी एक विशाल देश है जनसंख्या वाला, और मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ 2-tier, 3-tier सिटीज़ में एक चुनौतीपूर्ण हमेशा से रही हैं। अगर ये कोरोना वायरस संभलता नहीं है तो क्या जो आर्थिक मंदी के दौर से देश गुजर रहा है या दुनिया गुजर रही है, ये एक बहुत बड़ी चोट करके जाएगा आर्थिक? ये सच है कि ये वायरस हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आप एक बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक लंबे समय से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अपने संदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि नागरिकों को इसमें घबराहट और तनाव लाने की चिंता नहीं है, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, बार बार सब जगह की जा रही है, अपने को स्वच्छ रखें, डिस्टेंस रखें, अपने हाथों को धोने का काम करें, अनावश्यक गंदगी फैलाने का काम ना करें, एक दूसरे को संबल देने का काम करें, अफवाहों से बचने का प्रयास करें, और अगर कहीं कोई होता है तो वो डॉक्टर्स को रिपोर्ट करने का काम करें। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, विशेष रूप से एम्स वगैरह में, हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, और उसका एक लाभ भी हमारे देश में रहे। भूपेंद्र, अब अंतिम सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा व्यक्तिगत, जैसे आप हैं, आपसे चाहे एक घंटे भी आदमी इंटरव्यू कर ले तो बहुत बड़ी खबर नहीं निकाल पाता, क्योंकि आप बहुत बैलेंस होकर एक एक सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में कई ऐसे मंत्री भी हैं, कई नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं जिनके पास कोई पद नहीं है, चुनाव भी जो हार चुके हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि पूरे देश में फिर एकदम से एक विस्फोटक राजनीति शुरू हो जाती। तो आपको लगता है कि पार्टी में कुछ लोगों को संयम बरतना चाहिए? इसके लिए तो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है, बोलने में संयम तो सबको रखना चाहिए। नहीं तो बाकी लोग भूपेंद्र यादव से नसीहत क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं कोई नसीहत देने वाला नहीं हूँ, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन फिर भी
हम अगर किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसके द्वारा अशांति का ऐसे बड़बोलेपन या इस तरह का जो एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं ट्विटर वगैरह पे, क्या पार्टी को की छवि को नुकसान होता है? नुकसान तो पहुंचता है, लेकिन पार्टी का असली विचार लोगों के सामने आए इसको ले जाने की जिम्मेदारी सभी नेताओं की। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोग मतलब एक पार्लियामेंट्री कहा जाता है, सलाह और सुझाव दिया जाता है, व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है विषय, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है? एक्शन भी होता है लेकिन उसको मीडिया नहीं बताती है। कुछ और सवाल आप? नहीं बस। तो ये थे भूपेंद्र यादव और इनका ये कहना था कि जहाँ तक बात संसद की है तो संसद की जो गतिरोध है इन्हें उम्मीद है कि गतिरोध होली तक, होली के बाद समाप्त होगा, बहस होगी, बहुत से विधेयक हैं जो लाने हैं, ज़रूरी हैं, संसद का चलना ही बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक दंगों का विषय रहा उस पर काफ़ी संयम बरता इन्होंने और हम आशा करते हैं कि भूपेंद्र यादव के साथ जल्द ही INS के दर्शकों के लिए और INS के जितने सब्सक्राइबर मीडिया आउटलेट्स हैं उनके लिए फिर हम इनसे बात करेंगे, समय मांगेंगे। भूपेंद्र जी, आपने समय निकाला इस बजट सत्र में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं नवनीत मिश्रा के साथ अलविदा लूँगा, नमस्कार।